मन से मिल जाएंगे। मन से सुनो और सुनकर भूलो, मन लगाओगे तो मन से मिल जाएंगे, वरना हम हैं परिंदे बहुत दूर के, वरना हम हैं परिंदे बहुत दूर के, अपनी बोली बोलकर उड़ जाएंगे, अपनी बोली बोलकर उड़ जाएंगे। सर ने मुझे आज जो बड़ा जबरदस्त विषय दिया था डेमोक्रेसी लोकतंत्र पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया, और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां भी है जिस तरह हम देख रहे हैं। तो हमको, आप सभी शिक्षक हैं, मैं भी आपके जैसे ही शिक्षक हूं, मैं चाहता हूं कि हम जो है, हम शिक्षकों का दायित्व बहुत बड़ा है। देश में दो लोगों की जिम्मेदारी बड़ी अहम होती है, एक जो सैनिक बॉर्डर में खड़े हैं और दूसरा शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माण कर रहे और इसे तैयार कर रहे हैं देश का, उनकी दोनों की जिम्मेदारी बड़ी महत्वपूर्ण है। और हमारी जिम्मेदारी हमको जिंदा नागरिक तैयार करना है, और जिंदा नागरिक वो होगा जो अपने देश के लोकतंत्र के बारे में सोचता हो, उसमें राष्ट्रवादी भाव हो, ऐसी पीढ़ी को हमको तैयार करना है। क्योंकि जिंदा पीढ़ी इसलिए तैयार करने की जरूरत है क्योंकि राजनीति शास्त्र की बात हो रही है, तो राजनीति शास्त्र में राम मनोहर लोहिया आप लोग पढ़े भी हैं, पढ़ाते भी हैं, समाजवादी विचारक, जिनका कहना था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, वो हर गलत चीज का तुरंत नियुक्त करती है। तो हमको ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो हर मुद्दों पर बेबाक अपने तर्क से प्रभावित करे, सोचने को मजबूर कर दे, ऐसी जिंदा पीढ़ी हमको तैयार करना है। तो लोकतंत्र की जब बात आती है तो मैं यहां पर फ्रांस की क्रांति, जो कि ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर किसी को यहां शिक्षक साथियों को पता है कि फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई थी, और फ्रांस की क्रांति से ही लोकतंत्र के 3 आदर्श निकले थे जिनको हम कहते स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये लोकतंत्र के आदर्श बने। और दूसरी क्रांति का भी मैं यहां पर जिक्र करूंगा, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका में क्रांति हुई थी, जिसके बाद एक बात निकल कर आई थी कि प्रत्येक मनुष्य जन्म से स्वतंत्र व समान है। अब बात आती है कि भारत में लोकतंत्र की जब मैं बात करता हूं तो आपको पता है कि हम भी राजतंत्र से होकर गुजरे, चाहे बाकी भारत में चले दिल्ली सल्तनत 1526 से 1527 और उसके बाद आपको मालूम है कि जब हमारे यूरोपीय कंपनियां व्यापार करने आई पुर्तगाली डच अंग्रेज फ्रांसीसी, तो जब हालांकि सबका पतन होते चला गया लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य हमारे यहाँ 200 वर्षों तक टिका। तो आपको मालूम है जब ब्रिटिश साम्राज्य हमारे यहाँ पे आया तो व्यापार के साथ साथ राजनीति करने लगे, तो उनका एक दायित्व, उनका वो जिस सिद्धांत पे काम कर रहे थे वाइड बर्डन थ्योरी, श्वेत रक्त का भार, ये रुडयार्ड किपलिंग ने थ्योरी दी थी कि एशिया और अफ्रीका में काले लोग हैं, इनको सभ्य बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आकर अपनी एक जिम्मेदारी भी समझे, और इस देश में सबसे पहला मतलब उन्होंने अधिनियम किया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, आप सबको पता है, उसको एक संविधान भी एल आर बारी ने उसको प्रथम लिखित संविधान बोल दिया कि ये भारत का प्रथम लिखित संविधान था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद उनकी एक जिम्मेदारी बढ़ते गई, 1784 का पेट चेंजिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और इन अधिनियमों के माध्यम से हमारे यहाँ कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक गुणों के साथ साथ हमने संवैधानिक संस्था का पाठ पढ़े, और कहीं ना कहीं हमने उस शासन को एडाप्ट करे, संसदात्मक शासन को हमने ग्रहण कर लिया, क्योंकि हम 200 साल तक उस तरह के शासन के आदि हो गए थे। तो संसदात्मक शासन, आपको पता है कि संसदात्मक शासन का जो केंद्र होता है, एक संसद होती है, दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। अब मैं एक हल्का सा चर्चा करना चाहूंगा, मैं किसी को यहां पढ़ाने भी नहीं आया, मैं चर्चा करने आया हूं कि
संसदात्मक शासन को भारत के किस महान राजनेता ने अच्छा शासन नहीं माना था। उन्होंने एक बड़ा बांझ शब्द का यूज किया था, संसदात्मक शासन बांझ शब्द। ये कोई साथी बता सकता है, शिक्षक साथी? महात्मा गांधी ने 1909 में एस किल्डन जहाज में बैठकर लंदन से अफ्रीका जा रहे थे, तब उस शासन को उन्होंने इस तरह अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में इसका जिक्र किया है। लेकिन हमने उसी शासन को अपनाए, हमारे सामने अमेरिका का भी मॉडल था अध्यक्षात्मक शासन, लेकिन संसदात्मक शासन को अपनाना हमारी कहीं ना कहीं मजबूरी थी, क्योंकि हम 200 साल तक उस तरह के शासन के आदि हो गए थे। और आपने देखा कि हम उस शासन को अपनाते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बने। और जब लोकतंत्र की बात आती है तो लोकतंत्र को अच्छा शासन भी कहा जाता है, उसकी बुराइयां भी हैं। विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बात कही कि लोकतंत्र सबसे भ्रष्ट शासन है, लेकिन इससे अच्छा अभी कोई दूसरा उदाहरण हमारे बीच में नहीं है, इससे बेहतर उदाहरण हमारे बीच में अभी तक कोई विकसित नहीं हुआ है लोकतंत्र का। और जब लोकतंत्र की बात आती है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले लोकतंत्र, आपने देखा कि सबसे पहला लोकतंत्र अमेरिका में आया था, सबसे पहला लोकतंत्र विश्व का अमेरिका में था। और जब भारत में लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ती है, क्योंकि ये जनता का शासन है और हर किसी को देश के बारे में सोचना चाहिए, राष्ट्रवादी भाव अपने अंदर लाने की जरूरत है। लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र को सफल बनाना है तो सबसे पहले जो ऐसी बात है, विद्रूपता विसंगति अराजकता का हमको हर कदम पर विरोध करना चाहिए। वर्तमान की सरकार आप देख रहे हैं जिस तरह से मॉब लिंचिंग बढ़ रही है, भीड़ द्वारा हत्या कहीं पे भी हो जा रही है, हेट क्राइम बढ़ रहा है लगातार, तो हमको कहीं ना कहीं हम ये कह के डाल देते हैं कि ये हमारे ऊपर थोड़ी ना रही है बात। लेकिन नवाज देवबंदी एक शायर है, उनकी बातों से उनकी बड़ी अच्छी पंक्ति है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, और आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल में मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल में आप भी चुप, फिर अगला नंबर आपका। यही कह रहा हूं कि हम जो युवा पीढ़ी तैयार कर रहे हैं उनके अंदर यह भाव लाए कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। महात्मा गांधी की जब बात आई तो महात्मा गांधी का एक गांधी जी का जंतर आप पढ़े भी हैं और आप पढ़ाते भी होंगे कि महात्मा गांधी ने बड़ी अच्छी बात कही कि यदि मन में कभी कोई दुविधा संशय उत्पन्न हो जाए, कोई भ्रम हो जाए, तो हमको एक ऐसे असहाय व्यक्ति की छवि अपने मन में लाना है जिसके पास कुछ भी नहीं है, और हम उसको खुद को उसके पास रखकर यह सोचे कि हम ऐसा क्या कदम उठा सकते हैं जिससे उसकी जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है। तो यही भाव लेकर हमको आगे बढ़ना है और अपनी युवा पीढ़ी को बताना है। लोकतंत्र के बारे में जब बात आती है तो एक परिभाषा से आप बहुत ज्यादा परिचित हैं, अब्राहम लिंकन की परिभाषा कि बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, ये आप लोग पढ़ाते हैं, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र है, ये सभी भरी भांति परिचित है। ये जब अमेरिका में सिविल वार चल रहा था तब गेट्सबर्ग भाषण में अब्राहम लिंकन ने ये बात कही थी। लेकिन सीले को भी आप पढ़ते हैं, सीले ने भी कहा है कि लोकतंत्र में जनता का बहुत बड़ा भाग शासन करता है। तो इसके विपरीत अगर हम तानाशाही या अधिनायकवादी शासन की बात करें तो उसका उल्टा था कि मुसोलिनी को जब हम पढ़ते हैं तो मुसोलिनी ने कहा कि सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। या हिटलर को जब देखते हो आप अधिनायकवाद में, तो हिटलर जो था कि उसकी तो हैंस रूडोल में शपथ ही दिलाता था कि जर्मनी ही हिटलर है और हिटलर ही जर्मनी है, जो हिटलर की पूजा करेगा वो जर्मनी के प्रति वफादार होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कितने भी बड़े तानाशाह रहे, आपने देखा कि वो तानाशाह का एक दिन अंत हुआ और दुनिया में
जो शांतिपूर्ण शासन में प्रयास किया और जाते जाते पुनः मुलाकात होगी तो कुछ पंक्तियों से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बसीर बद्र एक शायर है, उनकी लाइन की चरागों को महफूज रखना, चरागों को महफूज रखना बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, चिरागों को महफूज रखना बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, और मुसाफिर हैं हम भी और मुसाफिर हो तुम भी, जिंदगी के फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आपने बड़ी तन्मयता तल्लीनता से मुझे सुना और मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए सम्मान्य आदरणीय रामनाथ प्रोफेसर और सम्मान्य ठाकुर सर का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद सर।